दोस्तों मेरा चैनल राड बांग्ला राधनगर में आप लोगों को स्वागत है। आज आपके लिए बनाने जा रहा हूँ पनीर टिक्का, जो सबका मनपसंद चीज है और जो बनाएंगे मैं गैस ओवन में बनाएंगे। पहले हम पनीर को कटिंग कर लेंगे। इंग्रेडिएंट्स का क्वांटिटी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं। दोस्तों अभी सब इंग्रेडिएंट्स मिला के मैं मिक्सचर बनाएंगे। पहले हमने कर्ड लिए, उसके बाद जीरा पाउडर, उसके बाद हमने गरम मसाला, उसके बाद कश्मीरी मिर्ची, उसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट, उसके बाद हमने काली मिर्ची, उसके बाद चाट मसाला, उसके बाद एज पर टेस्ट नमक, उसके बाद में स्पेशली तंदूर मसाला यूज करेंगे और सत्तू। और हमने कस्तूरी मेथी को थोड़ा राब करके उसमें मिलाएंगे। अभी 20 ml सरसों तेल को जलाएंगे धुआं निकालने तक। अभी मैं गरम किया जो सरसों तेल उसको हमने डाल रहा हूं। दोस्तों मेरा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अभी हमने पनीर को इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। दोस्तों हम थोड़ा नींबू का रस डालेंगे। अभी हम हाथ से मिलाएंगे इसलिए पनीर टूट ना जाए। दोस्तों मिक्सचर और पनीर हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। अभी हमने इसको 2 घंटा के लिए फ्रीजिंग करेंगे। अभी 2 घंटा बाद हमने आपस आया। अभी एक ठो फ्राई पैन लिए है, उसमें थोड़ा बटर मिला के मैरिनेटेड पनीर को हमने उसमें डाले हैं और अच्छी तरह से भुनेंगे। पनीर को मैं पहले हाई फ्लेम में भुनेंगे 2-3 मिनट, उसके बाद मैंने लो फ्लेम में टोटल करीब राउंड को कंप्लीट करेंगे। अभी ढक्कन दे के 5 मिनट इंतज़ार करेंगे। अभी हमने ढक्कन खोल के इसको पलटी कर देंगे। ख्याल रखिएगा पनीर टूट ना जाए। दोस्तों हम थर्ड पार्ट में आ गए। अभी हम इसको सीख में डालेंगे। जैसे हमने कैप्सिकम लिए हैं, जैसे हम प्याज लिए हैं और टमाटर कटिंग लिए हैं राउंड शेप में, और आलू को राउंड शेप में हमने काट लिया। अभी स्मूथनेस बढ़ाने के लिए सरसों तेल का इस्तेमाल करेंगे। हम आलू डालेंगे, उसके बाद हम टमाटर डालेंगे, उसके बाद हम कैप्सिकम डालेंगे, उसके बाद हम पनीर देंगे और एक देंगे इसमें। फिर एक टोमेटो डालेंगे, फिर एक हमने कैप्सिकम डालेंगे और प्याज डालेंगे और लास्ट एक ठो आलू देंगे। ऐसे ही तीनों स्टिक को हम तैयार कर लेंगे। मेरा स्टिक अभी रेडी हो चुका है। अभी हमने बर्नर का सामने इसको पकड़ेंगे। दोस्तों इसको देखिएगा, जैसे हमने इसको अभी
लो फ्लेम में करेंगे। पहले हाई फ्लेम दिया था, अभी लो फ्लेम में इसको सेकेंगे, नहीं तो क्या होगा, ज्यादा उसको जल जाएगा। दोस्त देखिए मेरा एक स्टिक रेडी हो चुका है, अभी आप लोग को देखना पड़ेगा जो हम कितने तक इसको हम जलाएंगे। देखो अभी एकदम रोस्ट हो चुका है, हमारा दूसरा स्टिक भी रेडी हो गया। ये जस्ट हमको 2-3 मिनट हमको सेकना पड़ता है। मेरा तीसरा स्टिक भी रेडी हो गया। दोस्तों अब देखिएगा ये टोटल जो एपिसोड हमने 15 मिनट्स का अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग भी ऐसे ही हमने घर में बनाएंगे। और एक चीज देखिए, मेरा अगर ये टिक्का बनाने का जो प्रोसेस है ये आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अभी कल फिर हम दूसरा कोई आइटम लेके आपके सामने हाजिर होंगे। दोस्तों अभी हमने इसको स्टिक से रिमूव करेंगे धीरे धीरे। दोस्तों अभी तो हमारा टिक्का रेडी हो चुका है डिनर के लिए। इसके साथ जाएगा दाल फ्राई, रुमाली रोटी या तंदूरी रोटी।